सुप्रभात बच्चों, हमने पिछली बार हिंदी में स्वर ओ पढ़ा था, ओ के बारे में पढ़ा था, है ना। इस बार हम औ के बारे में पढ़ेंगे। औ, औ, आधा गोल, एक और आधा गोल, एक सोती रेखा और दो खड़ी रेखा और एक छोटी ऊपर सोती रेखा, फिर ऊपर आएगा ये औ की मात्रा, ये दो आएगा, दो मात्राएं आएंगी, एक और दो। हमने ओ में सिर्फ एक मात्रा डाली थी और औ में हम दो मात्राएं डालेंगे, ठीक है बच्चों। औ में दो मात्राएं आएंगी, एक और दो, और आपको वो मात्रा यहाँ से, यहाँ ये जो पहली और ये जो दूसरी वाली खड़ी रेखा है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ नहीं डालना है मात्रा, यहाँ से नहीं डालना है मात्रा, ऐसे वो गलत होगा, यहाँ से डालना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे औ से क्या क्या होता है। तो चलिए देखें क्या क्या होता है औ से। औ से औरत, औरत, औ से औरत, औ से, औ से औषधि, औषधि मतलब यानी कि मेडिसिन। औ से औषधि, जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना बच्चों, और डॉक्टर आपको क्या देते हैं, कड़वी कड़वी दवा देते हैं ना, आपको नहीं पसंद है, मुझे मालूम है, लेकिन दवाई खाने से आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसीलिए औषधि खाना ज़रूरी है, औषध खाना ज़रूरी है जब हम बीमार पड़ते हैं। तो औ से औषधि, औ से औषधि, औ से औजार, औ से औजार। औजार क्या होता है बच्चों, जब कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है या हमें दीवार पर कोई कीला ठोकना होता है तो हम हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या पेचकस होता है, स्क्रूज होते हैं, जो कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हम जो हमारे मैकेनिक होते हैं वो औजार का इस्तेमाल करके उस गाड़ी को ठीक करते हैं, है ना, तो उसको औजार बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को औजार बोलते हैं जिससे हम गाड़ी वाड़ी को ठीक ठाक करते हैं, ठीक है, जब वो ख़राब हो जाती है तो इसको बोलते हैं औजार, औजार, औ से औजार, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार। अब हम बच्चों देखेंगे औ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हम ये नीली रेखा से शुरू करेंगे, आधा गोल, एक और जुड़ा हुआ आधा गोल, सोती रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, सोती रेखा और ऊपर दो औ की मात्रा आएगी, एक और दो। समझ में आया बच्चों, ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ से आपको वो मात्रा बनानी है, यहाँ से नहीं बनाओगे आप सेकेंड लाइन से। आधा गोल, एक और आधा गोल, सोती रेखा, ये खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और औ, ठीक है। आधा गोल, एक और आधा गोल, सोती रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और ये सेकेंड वाली खड़ी रेखा से हम ये औ की मात्रा डालेंगे, ठीक है, दो लकीर औ, औ, औ। तो ये हुआ हमारा औ। अब आप बच्चों इसको घर में
इसको लिखना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो एक बार और हम देख लें, औसे क्या क्या होता है। औसे औरत, आपकी मम्मा एक औरत है ना, है ना, आपकी नानी, आपकी मम्मा सब औरतें हैं, तो औसे औरत। औसे औषधि मतलब दवाई। औसे औजार, औजार मतलब क्या होता है, औजार मतलब जिससे हम किसी भी चीज़ की ठीक, कोई भी चीज़ को ठीक करते हैं या उसको बराबर करते हैं। जैसे कि मैकेनिक लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे औजार होते हैं उनके पास, जब हमारी गाड़ी वाड़ी कुछ भी ख़राब होती है या घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो हम औजार इसका इस्तेमाल करते हैं और उस चीज़ को ठीक करते हैं, है ना। तो अगले क्लास में हम लेंगे अगला अक्षर, तब तक के लिए